नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का हमारा वीडियो है, अभी जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की एग्ज़ाम हुई थी एमपीटेट, तो उसमें जो गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी मतलब रेगुलर गेस्ट प्लस डिग्री जिन्होंने की है उनको अमान्य घोषित किया गया था। तो उससे संबंधित जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है और उन्होंने जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। तो इस बात को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी इस चीज़ से अवगत हो जाएं कि आखिर इसका निर्णय क्या होना चाहिए, क्या वाकई में अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई डिग्री करना कोई गलत चीज़ है, यदि है तो क्यों है, इसको हम डिटेल में करते हैं। चलिए, अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की शिक्षक भर्ती से उम्मीदवारी समाप्त करने को चुनौती, आगे डिटेल में लिखा हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस दिया गया है कि उन्होंने इसको अमान्य किया है तो क्यों किया है। कार्यालय संवाददाता जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारी समाप्त करने को चुनौती दी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीज़न बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आयुक्त लोक शिक्षण एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। मतलब लोक शिक्षण संचालनालय जो भोपाल है उनसे उनको नोटिस दिया गया है और उनसे इस बारे में जवाब मांगा है, और वो भी 4 सप्ताह के अंदर अंदर, कि अतिथि शिक्षक रहते हुए जिन्होंने भी डिग्री प्राप्त की है उनको आखिर बाहर किया गया है तो किस बेसिस पर किया गया है। आगे, राजगढ़ निवासी किशोर राय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 23 जून 2020 को आयुक्त लोक शिक्षण ने यह निर्देश जारी कर दिया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके आधार पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि नियम और विज्ञापन में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की उम्मीदवारी समाप्त करने संबंधी प्रावधान नहीं था। मतलब जब फॉर्म फिलअप हुए थे, है ना, उस समय भी ऐसा कुछ नहीं था और ना ही अतिथि शिक्षक रखे जाने पर ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन था कि यदि आप अतिथि शिक्षक रहते हुए कुछ डिग्री रेगुलर या प्राइवेट करते हैं तो आपका ये मान्य नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी आधार पर यहाँ पर याचिका दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। एक तरह से लोक शिक्षण संचालनालय विभाग ने उम्मीदवारों की बीएड की डिग्री को अमान्य करते हुए हमेशा के लिए शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। डिवीज़न बेंच ने आवेदकों से जवाब तलब किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधा सा इस पूरी न्यूज का जो निष्कर्ष पर यदि हम पहुँचें, तो जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षक रहते हुए किसी डिग्री प्राप्त करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया है उन्हीं के लिए, है ना, उन अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी हो सकती है। यदि अतिथि शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आता है तो फिर जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या क्वालिफाइड टीचर्स की नियुक्ति होगी तो उनको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की अन्य जानकारी भी यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी आपके कलीग्स हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।